हर हर महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जय बजरंगबली। दर्शकों, 16 अप्रैल बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ शुभ संयोग है। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा है और साथ ही में हनुमान जी का जन्मोत्सव का दिन, हनुमान जयंती। साथ में इस दिन शनिवार है। शनिवार का दिन वैसे ही हनुमान जी का दिन होता है, शनिदेव का दिन होता है, और इस दिन बजरंग बली का जन्मोत्सव का दिन माना गया है, जन्मोत्सव का दिन है। अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, आप भी धनी बनना चाहते हैं, आप भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, वैसे तो बजरंग बली हमारे सारे बिगड़े कामों को बना देते हैं। ऐसे में आप भी बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से सरल से उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसके सहयोग से आप बजरंग बली को प्रसन्न करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप भी धन्य धान से भरपूर हो सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव के दिन, 16 अप्रैल के दिन सुबह सबसे पहले तो जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है। साथ में आपको बजरंगबली के निमित्त एक पान का बीड़ा अर्पित करना है। और आप यह जन्मोत्सव से शुरू कर रहे हैं तो इसके बाद आप 5 मंगलवार यानी एक ये और 4 मंगलवार आप यह उपाय करें, जिससे आपके बिगड़े हुए जो सारे काम हैं वह बन जाएंगे, आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही में आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की अगर आपके पास फोटो हो तो उसके समक्ष आप एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद जो अगरबत्ती की राख है उसे अपने कंठ पर लगाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरा उपाय यह है कि आप बजरंग बली के समक्ष सबसे पहले तो एक पीपल का पत्ता ले आएं। अगर आपको नीचे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप फिर ऑप्शन नहीं है, आप तोड़ सकते हैं। तो फिर ले आए पीपल का पत्ता, उसे गंगा जल से आप धो ले, साफ़ कर ले शुद्ध जल से। उसके ऊपर आप 1 रुपये का एक सिक्का रखें और उस पर जो अगरबत्ती की जो आपकी राख है उसे रखें थोड़ा सा और उसे धूप दीप दिखाएं, बजरंग बली के समक्ष उसे रखे रहने दे। रात्रि के समय उस सिक्के को आप उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे आपके घर में धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होगी और आपका घर धन्य धान से भरपूर रहेगा। माँ लक्ष्मी की आपके घर में कृपा बनेगी। साथ ही में आप बजरंग बली के मंदिर अवश्य ही जाएं जन्मोत्सव के दिन, और हो सके तो आप बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू आप भोग लगाएं हनुमान जी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हों आपको, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली।